और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, और हम यूज करेंगे इन दो कॉन्सेप्ट्स को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की हो सकती हैं और तीन वेरिएबल की भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्रेमर रूल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। आपसे पूछा गया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी जिसके एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा। अगर हम जनरल कंसेप्ट यूज करें तो कोई भी अगर क्यूबिक इक्वेशन है जैसे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके मान लीजिए तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो इन रूट्स की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप करेंगे तो ये माइनस बी बाई ए आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अगर आप देखोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स अल्फा बीटा इंटू गामा ये माइनस डी बाई ए होता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, केवल एक्स क्यू के बाद सीधा पी एक्स आ रहा है। इसका मतलब जो ये बी वाला टर्म है वो इसमें एबसेंट है। बी वाला टर्म अगर एबसेंट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप करेंगे तो ये बी है नहीं, तो बी को आप जीरो मान सकते हो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। फॉर दिस इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी जीरो। नाउ इन दिस डिटर्मिनेंट वी कैन अप्लाई अ प्रॉपर्टी लाइक कॉलम वन इक्वल्स टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। मीन्स इन कॉलम वन वी आर एडिंग ऑल द थ्री कॉलम वैल्यूज, सो दिस विल गिव अस द कॉलम वन विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑल द एलिमेंट्स विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एज वी नो द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज जीरो, सो ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉलम विल बी जीरो, एंड इफ एनी कॉलम और एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट बिकम्स जीरो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी जीरो। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्रेमर्स रूल। First of all, suppose we want to solve a linear equation that is a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, and a3x plus b3y plus c3z equals to d3. ये a1, a2, a3 x के coefficients हैं, b1, b2, b3 y के coefficients हैं, and c1, c2, c3 z के coefficients हैं, और ये equal side में constant terms हैं d1, d2, d3. तो हम तीन अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। पहला डी डिटरमिनेंट जैसे हम कह रहे हैं, इट विल बी द इंक्लूड ऑल द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट्स ऑफ वाई, कोफिशिएंट्स ऑफ जेड। फिर दूसरा हम डिटरमिनेंट बना रहे हैं डी वन, जिसमें हम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं इन कॉन्स्टेंट से, डी वन डी टू डी थ्री से। तो ए वन ए टू ए थ्री की जगह पर डी वन डी टू डी थ्री लगाया, बाकी पूरे एलिमेंट्स एज इट इज रखे, तो इसको हम बोल रहे हैं डी वन डिटरमिनेंट। तीसरा हम डी टू बना रहे हैं, जिसमें हम b1 b2 मतलब y के कोफिशिएंट्स को इस d वाली मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। चौथा d3 है, जिसमें z के कोफिशिएंट्स को हमने रिप्लेस किया है d से। तो ये हमें चार अलग अलग डिटरमिनेंट मिल गए। इन अलग अलग डिटरमिनेंट्स की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कि d1 है कोफिशिएंट्स ऑफ x को हटाने के बाद, इसका मतलब अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आप लिखोगे d1 डिवाइडेड बाय दिस मैट्रिक्स। तो d1 बाय d अगर आप करोगे तो ये आपको x दे देगा, सिमिलरली d2 बाय d करोगे तो ये y दे देगा, एंड d3 बाय d करोगे तो ये आपको z दे देगा। तो बेसिकली आपको चार अलग अलग डिटरमिनेंट सॉल्व करने हैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और उन डिटरमिनेंट्स को निकालने के बाद सिंपली आपको डिवीजन करना है और आपको सारे को x y z वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये तो हो गया क्रेमर्स रूल के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, 5x minus 7y plus z equals to 11, 6x minus 8y minus z equals to 15, 3x plus 2y minus 6z equals to 7। ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो d जो हमारे डिटरमिनेंट होगा उसमें आप लिखोगे 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 माइनस 6, तो ये हमारे पास b हो जाएगा। d1 लिखोगे तो आप इस 5 6 3 की जगह पर 11 15 7 रिप्लेस कर दोगे, बाकी सब सेम रखोगे। d2 के टाइम पर इस सेकंड कॉलम को आप 11 15 7 से रिप्लेस करोगे, एंड सिमिलरली d3 के टाइम पर आप थर्ड कॉलम को, d के थर्ड कॉलम को इस 11 15 7 से रिप्लेस करोगे।
तो इन सारे डिटरमिनेंट्स की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डी आपके पास आएगा 55, डी वन आपके पास आएगा 55, डी टू और डी थ्री आपके पास -55 आएंगे। क्रेमर्स रूल का यूज अगर आप करेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा डी वन बाई डी तो ये 1 होगा, वाई होगा डी टू बाई डी तो ये -55/55 इट विल बी -1। सिमिलरली डी थ्री बाई डी अगर आप करेंगे तो आपको जेड मिल जाएगा तो ये भी -1 आएगा। तो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल गई 1, -1, -1। तो दिस इज द प्रोसीजर, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने समझा कि कैसे हम क्रेमर्स रूल का यूज करते हैं। अब हम इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस किस तरीके की हो सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस किस तरीके के हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इक्वेशंस को समझने के लिए हम दो तरीके की इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है जिसमें लास्ट में डी वन डी टू डी थ्री टर्म्स हैं, तो ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मीन्स अगर आपके कोफिशियंट्स ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, ये नॉन जीरो नहीं है सारे की सारे, तो इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। अगर हम डी वन डी टू डी थ्री तीनों को जीरो कर देते हैं तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। तो दो टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं, होमोजीनियस जिसमें डी वन डी टू डी थ्री जीरो है, नॉन होमोजीनियस जिसमें ये जीरो नहीं है। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। होमोजीनियस जैसे कि ये सारे टर्म्स जीरो हैं, आप एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं कोफिशियंट्स का, a11, a12, a13, a21, a22, a23, 23, a31, a32, a33, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे और इस वैल्यू के बेसिस पर आप, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के डिफरेंट नंबर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये जो हम लोगों ने जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखा है, अगर इसमें d1, d2, d3 ये जो इक्वल के राइट हैंड साइड में जो तीनों कोफिशिएंट्स d1, d2, d3 हैं, अगर ये तीनों जीरो हो जाएं तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, और अगर ये नॉन जीरो हो तो हम इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर d1, d2, d3 जीरो हैं तो ये जो कैपिटल d1 मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट है, d1 डिटर्मिनेंट, d2 डिटर्मिनेंट और d3 डिटर्मिनेंट तीनों जीरो हो जाएंगे। कि इसका फर्स्ट कॉलम जीरो है तो ये पूरा जीरो, इसका सेकंड कॉलम जीरो है तो ये भी पूरा जीरो, इसका थर्ड कॉलम जीरो है तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो d1, d2, d3 सब जीरो हो जाएंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में एक्स को आप लिखोगे जीरो बाई डी, जीरो बाई डी, जीरो बाई डी, यहां से डी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होने वाले हैं। अगर डी भी जीरो हो गया तो ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, और जीरो बाई जीरो की फॉर्म का मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन अगर डी हमारा नॉन जीरो हुआ तो उस केस में ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये तीनों एक्स वाई जेड जीरो होंगे, तो उस केस को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन के केस में दो केस पॉसिबल है, अगर हमारी डी मैट्रिक्स जीरो है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और अगर डी मैट्रिक्स हमारी जीरो नहीं है तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। उससे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि ए बी सी में क्या रिलेशनशिप होगी ताकि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नॉन जीरो सॉल्यूशंस हो। अब आपको पता है कि होमोजीनियस इक्वेशंस के दो ही तरीके के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तीनों जीरो, या फिर नॉन जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये पूछ रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए, और उसके लिए इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो जीरो आना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, एक्स के कोफिशिएंट्स 1 1 1, वाई के कोफिशिएंट्स 2 8 3 b 4 c एंड जेड के कोफिशिएंट्स ABC आप पुट कर सकते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको जीरो करनी है ताकि ये इक्वेशन नॉन जीरो सॉल्यूशन दे, तो उसके लिए आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के लिए आप लिखेंगे 3bc माइनस 4bc फॉर दिस वन, इस वन के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखोगे माइनस का 2ac माइनस 4ac, और इस वन के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखोगे 2ab माइनस 3ab। इसको जब आप 2ac इज इक्वल टू ab प्लस bc, और यहां पे पूरी इक्वेशन को आप abc से डिवाइड कर सकते हो तो आपको मिलेगा 2 upon b इक्वल टू 1 upon a प्लस 1 upon c। तो ये कंडीशन एक HP को रिप्रेजेंट करती है कि ABC जब HP में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है।
अगर एपी में होता तो हमें मिलता 2b cos 2a + c, और अगर जीपी में होता तो हमें मिलता b² = ac। तो यहाँ पर है 2 upon b = 1 upon a + 1 upon c, ये हमारी एचपी की कंडीशन है, तो आंसर सी हो जाएगा। ओके, अभी हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मॉल d1 d2 d3 एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ये तीन इक्वेशंस हैं, तो ये तीनों ही इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों मैट्रिक्स अलग अलग होंगी और उसको हम डायरेक्टली जीरो नहीं बोल सकते। वैसे वैल्यू कैलकुलेट करने पर जीरो आ सकता है, लेकिन कोई पूरा कॉलम जीरो नहीं है। तो अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, तो हमारे रूट्स डिसाइड होंगे सबसे पहले तो डी के बेसिस पर, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर वो नॉन जीरो है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर डी जीरो है, डिनोमिनेटर आपका जीरो है, और साथ में ऊपर के जो कोफिशिएंट्स हैं d1 d2 d3 ये भी जीरो हो जाएं, तो हम कहेंगे कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन गई। लेकिन अगर d1 d2 d3 में से कोई एक भी ऐसा है जो नॉन जीरो है, उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड कंडीशन बन जाएगी, सम नंबर डिवाइडेड बाय जीरो। सो यहां पर तीन कंडीशंस मिली, डी नॉट इक्वल्स टू जीरो यूनिक सॉल्यूशन, डी इक्वल्स टू जीरो उसके अंदर सब कंडीशंस हैं, अगर ये d1 d2 d3 जीरो हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, d1 d2 d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यहां पर आपको तीन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस दे रखी हैं, देखिए यहां पे 1 है, इसकी वजह से पूरी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस दिख रही है। पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जो इसमें ये कोफिशिएंट लैम्डा आया है, इसकी वैल्यू क्या होगी ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब डी तो जीरो होना चाहिए लेकिन कोई एक नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, तो हम डी को जीरो करने की कंडीशन लिख सकते हैं। इसमें डी जीरो कैसे होगा, देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, वाई का 2 है, जेड का -3 है, तो फर्स्ट रो आ जाएगी 1, 2, -3। यहां पर एक्स है ही नहीं, वाई भी नहीं है, तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट हम जीरो कर सकते हैं, तो एक्स और वाई जीरो है, और जेड का कोफिशिएंट λ+3 है, तो हमने λ+3 लिख दिया। नेक्स्ट केस में यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है 2λ+1, वाई का कोफिशिएंट यहां पे है नहीं, तो वाई का जीरो कर दिया और जेड का है 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। जीरो करने के लिए आप लिखेंगे, देखो इन जीरो के करस्पॉन्डिंग तो डिटरमिनेंट कुछ मिलेगा नहीं, केवल इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, तो हम लिखेंगे λ+3 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2λ+1 = 0। तो यहां से आप कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू अगर -3 है तो ये हमारा पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अगर -3 है तो ये पूरा रो जीरो हो जाएगा, और पूरा रो जीरो होने का मतलब आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। रैंक हम डिफाइन करते हैं, इट इज द लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को आर से डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका एक माइनर ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो है। माइनर का मतलब होता है एक मैट्रिक्स निकालना, जैसे कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उसके हम सब पार्ट करके 2x2 की ऐसे करके मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है या फिर एक मैट्रिक्स है, तो उससे आप कई सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। अगर आप a11 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालोगे तो ये आपको मिलेगा a22, a33, a23, और ये वाला जो डिटरमिनेंट है 2x2 का, इसका माइनर जो होगा। उसी तरीके से आप a12 का निकालोगे तो आप इसके कॉलम को और इसकी रो को हटा दोगे, आपको मिलेगा a21, a31, a23, a33 का माइनर। तो इस तरीके से जो लीस्ट माइनर, मतलब एक नॉन जीरो माइनर जो हमें मिलेगा, वही उसकी रैंक को डिफाइन करेगा कि कितनी उसकी रैंक होगी। किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब अगर ऑर्डर 3x3 है तो रैंक मैक्सिमम 3 हो सकती है, उससे कम पॉसिबल है कि 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, इस तरीके से। अब अगर हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, IR मतलब एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 0 0 0, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो R ही हो जाएगा। मतलब जो नॉन जीरो आपको माइनर मिल रहा है उसका जो ऑर्डर है उसी को हम बोलेंगे उसकी रैंक। जैसे कि
सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए उसे नॉर्मल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसको आप कैनोनिकल फॉर्म का मतलब एक पूरी रो को जीरो करना चाहोगे या फिर पूरे एक कॉलम को जीरो करना चाहोगे, ताकि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर मिल जाए, आर जो कि रैंक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर लिखते हो तो इन फॉर्म्स को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। तो अगर नॉर्मल फॉर्म ने आपने इनको चेंज कर दिया है तो ये जो आर है, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर मिल रहा है, यही आपकी रैंक होगी। कैसे करेंगे, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपको एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। मान लीजिए इस मैट्रिक्स में हम कुछ ऑपरेशन करते हैं। पहला, सेकंड रो में हम चेंज कर रहे हैं, तो सेकंड रो को हम लिख रहे हैं आर टू इक्वल टू आर टू माइनस फोर आर वन। मीन्स हम इस रो में से माइनस करेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को बाई मल्टीप्लाइंग विद, इस फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर माइनस फोर टाइम्स ऑफ दिस वन। तो इसलिए हमने लिखा आर टू इक्वल टू आर टू माइनस फोर आर वन। फर्स्ट रो एज इट रहेगी, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा और बाकी एलिमेंट भी उसी कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ये वाला एलिमेंट जीरो करना है, तो फिर हम लिखेंगे आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन। इसका मतलब हम आर थ्री रो में से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं बाई मल्टीप्लाइंग विद थ्री, तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली बाकी एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। फिर ये हमें अगर जीरो करना है तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे आर फोर इक्वल टू आर फोर माइनस आर वन, तो ये वाला एलिमेंट आपका जीरो हो जाएगा। ये टू था तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो कोरस्पॉन्डिंगली बाकी भी चेंजेस हो जाएंगे। ओके, अभी हमें ये मैट्रिक्स मिल चुकी है। अब इस मैट्रिक्स में भी, अब देखिए ये मैट्रिक्स में ये पूरा जो तीन एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, ये भी जीरो है। वैसे अगर ये जीरो नहीं होता तो हमें इसे जीरो भी करना पड़ता, ये ऑलरेडी जीरो है। अब हम इसको जीरो करना चाहेंगे, और इसको जीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स इस रो में से इस रो को माइनस कर दें, बेसिकली हम आर थ्री में से आर टू को अगर माइनस करते हैं, आर थ्री रो में से आर टू को माइनस करेंगे तो माइनस सेवन से माइनस सेवन कैंसिल हो जाएगा, तो ये एलिमेंट हमें जीरो मिल जाएगा। तो हमने एक ऑपरेशन किया आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस आर टू, तो ये एलिमेंट जीरो हो गया, बाकी सब आपको मिल गया। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से जीरो करते हुए जा रहे हैं। बेसिकली हम इसे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। तो हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश चल रही है। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे 1 1 1 1, तो हमने सबसे पहले इसको जीरो किया, इस फोर को जीरो किया, फिर थ्री को जीरो किया, फिर वन को जीरो किया, तो हमें ये तीन एलिमेंट जीरो मिल गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको जीरो करते हैं, फिर इसको जीरो करते हैं, ये जब हो जाते हैं फिर हम लास्ट में इसको जीरो करते हैं, तो हमारे डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें इतना कुछ मिल चुका है, बस अब ये वन वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। वन को कैसे जीरो कर सकते हो, वन के लिए आप इस तरीके से, हमें मिल गया आर फोर इक्वल टू आर फोर प्लस हाफ आर थ्री हमने अप्लाई किया, तो फोर्थ रो आपकी पूरी जीरो हो गई। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इस फोर को भी आप जीरो कर सकते हो, अगर आप इस कॉलम में इस माइनस टू इस थर्ड कॉलम को ऐड कर दें। मींस अगर आप लिख दें सी फोर इक्वल्स टू सी फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ सी थ्री, तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो आपको पूरा एक मैट्रिक्स मिल जाएगा इस तरीके से, 1 0 0 0, फर्स्ट रो में ये वाला वन है, बाकी सब जीरो हैं। मतलब बेसिकली आपको एक पूरा डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए, बाकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स जीरो हैं। अब इस सेकेंड कॉलम में आप सेवन से डिवाइड कर सकते हो, या फिर सेकंड रो में माइनस वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका वन हो जाएगा। इसमें आप माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका वन हो जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन किया आर टू इक्वल्स टू माइनस वन बाई सेवन आर टू, आर थ्री इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू आर टू आर थ्री। सो ये सारे एलिमेंट्स आपके वन 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 हो गए, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल गई आई थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो हमारी एक कैनोनिकल फॉर्म आ गई इस ये वाली आई आर 000। तो ये जो आई आर है वो हमारा आई थ्री है, तो हमारी रैंक हो जाएगी थ्री इस केस में। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम किसी अपर ट्रायंगुलर, जैसे कि हम लोगों ने ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई थी, तो इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं ये तो जीरो थी, तो वो भी हमारी
रैंक के बराबर होती है, या तो आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप उसमें कन्वर्ट ना करके सिंपली नॉन जीरो रोज को काउंट कर लीजिए। कैसे करेंगे, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आप दो ऑपरेशंस लगा सकते हो, पहले तो ये आपको जीरो करना है और ये भी आपको जीरो करना है। तो टू को जीरो करने के लिए आप लिखेंगे आर टू इक्वल टू आर टू माइनस टू आर वन, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। वन को जीरो करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हो आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन। तो बेसिकली हमने फर्स्ट रो का यूज करके सेकेंड रो और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को जीरो कर दिया। अब हम ये वाला एलिमेंट जीरो करना चाहेंगे, ये जीरो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो हम लिखेंगे आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस आर टू। अब ये वन है ये माइनस वन है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तीनों जीरो हो गए तो आपकी जो थर्ड रो है वो पूरी जीरो हो गई। तो हमारी रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो दो हैं क्योंकि थर्ड रो आपकी पूरी की पूरी जीरो है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंक विल बी टू। ओके, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये एक 4x4 आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, अब आप इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना चाहेंगे और उसके बाद इसकी रैंक निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये दो एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट्स जीरो करने होंगे यूजिंग द रो फर्स्ट, फर्स्ट रो को यूज करके। तो हम एक ऑपरेशन लिखेंगे आर टू इक्वल टू आर टू प्लस टू आर वन, तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस थ्री आर वन, तो ये फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा। एंड आर फोर इक्वल टू आर फोर प्लस फाइव आर वन, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तीनों जीरो हो गए। अब हमारा टास्क है इन दो एलिमेंट्स को जीरो करना इस आर टू रो का यूज करके। तो हम लिखेंगे आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस टू आर वन, क्योंकि ये माइनस वन है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली आर फोर इक्वल टू आर फोर माइनस टू आर वन, तो आपके ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। लेकिन जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो करोगे सेकेंड रो का यूज करके, तो डायरेक्टली आपके ये दोनों एलिमेंट्स भी जीरो हो रहे हैं। इसका मतलब आपको ये दोनों रोज जीरो मिल रही हैं। तो नॉन जीरो रोज की अगर हम बात करें तो केवल दो हैं, फर्स्ट और सेकेंड रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही हमारी रैंक होता है, तो इस केस में हमारी रैंक होगी टू ड्यू टू नंबर ऑफ नॉन जीरो ओनली टू। ओके, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है इसकी रैंक टू हो। इसकी मैट्रिक्स की रैंक टू होने के लिए ये जो स्मॉल बी इसमें टर्म यूज हुआ है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप क्या करोगे, सिंपली ऑपरेशंस लगाओगे। आप सबसे पहले तो ये एलिमेंट तो ऑलरेडी जीरो है, आप इस बी को जीरो करना चाहोगे। बी को जीरो करने के लिए आप लिख सकते हो आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस बी आर वन। तो आर वन में अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें और उसको आर थ्री में से माइनस कर दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। बाकी सारे ऑपरेशन में थर्टीन माइनस फाइव बी हो जाएगा, टेन माइनस फोर बी हो जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी। अब हम क्या करना चाहेंगे, इस एलिमेंट को जीरो करना चाहेंगे। तो इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए आप लिख सकते हो आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस थर्टीन माइनस फाइव बी अपॉन थ्री आर टू, तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से चेंज होकर आपको मिलेगी, 100, ये दोनों एलिमेंट जीरो हैं, 530, 42 और ये कुछ एलिमेंट। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अब हम चाहते हैं कि रैंक हमारी टू होनी चाहिए और रैंक टू होने के लिए ये जो पूरी थर्ड रो है वो पूरी की पूरी जीरो होनी चाहिए। थर्ड रो को जीरो करने का मतलब ये एलिमेंट अगर जीरो हो गया तो थर्ड रो जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली ये अगर हम एलिमेंट को जीरो कर दें तो हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहां से आप बी फाइंड आउट करेंगे तो बी की वैल्यू टू आएगी। सो फॉर दिस द वैल्यू ऑफ बी विल बी टू। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रैंक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो रैंक के थ्रू सॉल्व करने का मतलब है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कीजिए। सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में ले सकते हो। कोफिशियंट्स हैं, एक्स का कोफिशियंट देखिए यहाँ वन है, वाई का यहाँ माइनस वन है, टू का जेड का टू है, तो वन माइनस वन टू। इस तरीके से यहाँ पे वन टू थ्री और यहाँ पर थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं, और राइट साइड में आप लिखेंगे थ्री फाइव माइनस थर्टीन। तो ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें आर थ्री और आर टू सेकेंड और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को जीरो करना होगा यूजिंग द फर्स्ट रो। तो हम लिखेंगे आर टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन, तो ये वाला जीरो हो जाएगा। एंड आर थ्री इक्वल्स टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपके दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। फिर हमारा टास्क होता है इस एलिमेंट को जीरो करना यूजिंग द सेकेंड रो। ये एलिमेंट जीरो करने के लिए हम लिखेंगे आर थ्री इक्वल्स टू आर थ्री प्लस वन बाई थ्री आर टू। इसमें अगर हम वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करके इस माइनस वन में ऐड कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा।
तो ये आपको अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी टाइम्स एक्स बाई जेड इक्वल्स टू 3, 2, -64/3। बेसिकली याद रखें, जो ऑपरेशंस आप लेफ्ट हैंड साइड की कोफिशियंट मैट्रिक्स में कर रहे हो वही सेम सिमिलर ऑपरेशंस आपको इस डी वाली मैट्रिक्स में भी करने होंगे। हम लिख रहे हैं ना ए एक्स इक्वल टू बी, तो बी मैट्रिक्स में भी आपको सिमिलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा। जैसे हम लोगों ने लिखा था आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, तो आर टू आपका 5 था, आर वन आपका 3 था, तो 5 - 3 तो ये 2 हो गया था। आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस 3R1, तो आर थ्री आपका -13 था, 3R1 -9 आएगा, तो ये आपका -22 हो गया था। फिर हमने लिखा आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस 1/3 R2, तो फिर ये -64/3 हो गया था। अब ये आपकी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स टाइम्स एक्स वाई जेड इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स आपको मिल रही है। तो यहाँ से आप 3 इक्वेशंस लिख सकते हो फिर से, एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, वाई 3y प्लस जेड इक्वल टू 2, -32/3z इक्वल टू -64/3। ये 3 इक्वेशंस आपको मिल गई। तो लास्ट इक्वेशन से आप जेड निकाल सकते हो सिंपली, क्योंकि इसमें केवल जेड ही वेरिएबल है। जेड की वैल्यू आपको मिल गई, तो यहाँ पे जेड पुट करके आप वाई निकाल सकते हो। अब जेड और वाई की वैल्यू मिल गई, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में जेड और वाई पुट करके एक्स निकाल सकते हो, और इस तरीके से आप तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। सो अभी हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि कैसे क्रेमर्स रूल वर्क करता है, कैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, कैसे हम रैंक निकाल सकते हैं और कैसे हम रैंक का यूज कर सकते हैं, इस सब हमको डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग टेलीग्राम चैनल जो कि फिजिक्स बाय आईआईटीएल नाम से ही है, उस पर डेली कुछ क्विज क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स भी डालते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर उस क्विज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।